उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां दोस्तों ने ही एक युवक की हत्या करके शव को गंग नहर में बहा दिया। पुलिस ने जब शक होने पर मृतक के दोस्तों को हिरासत में लिया तो एक एक करके सभी राज खुल गए। हत्या की वजह भी चौंकाने वाली है। मामला हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के गाँव गोदी का है। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक शख्स ने ज्यादा दहेज न मिलने से नाराज होकर अपनी गर्भवती पत्नी के बीच सड़क पर 3 तलाक दे दिया। कहा जा रहा है कि आरोपी शख्स दहेज की मांग करते हुए अपनी पत्नी की पिटाई भी की, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। थाना प्रभारी मनोज कुमार शुक्ला ने कहा कि पीड़िता के पति और उसके परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ 3 तलाक अधिनियम, दहेज उत्पीड़न, हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ के जानकीपुरम में नाबालिग के साथ क्लिनिक में गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि क्लिनिक में तैनात एक कंपाउंडर ने एक अन्य नाबालिग के साथ मिलकर पीड़िता को जबरदस्ती दवा खिलाया, बेहोश कर दिया, फिर वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य आरोपी ने वारदात के दौरान घटना का वीडियो बना लिया और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर दोबारा रेप करने की कोशिश। नोएडा में एक हाई प्रोफाइल गालीबाज महिला का वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 46 स्थित गार्डन ग्लोरी सोसाइटी में रहने वाली महिला की दमंगई का है। सोसाइटी में रहने वाली यह महिला सामान लेकर आए एक मिनी ट्रक की एंट्री कराना चाहती थी। इसको लेकर गार्ड के साथ उसका विवाद हो गया। बहस गाली गलौच ही बदलते देर नहीं लगी। वायरल वीडियो में महिला गार्डों को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए और जान से मारने की धमकी देती हुई सुनाई दे रही है। राजधानी लखनऊ में आज सुबह से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कई इलाकों में तेजी से हुई बारिश से जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार आज बुधवार को लखनऊ व आसपास के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग, फार्मेसी और व्यावसायिक संस्थानों में सत्र 2023-24 में प्रवेश लेने वाले हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। लगातार 5वें साल इंजीनियरिंग, फार्मेसी व व्यावसायिक डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम में फीस नहीं बढ़ेगी। शासन ने प्रवेश व फीस नियमन समिति के शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी आई फ्लू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य केंद्रों पर हर दिन आंखों में लालीपन, चुभन और खुजली की समस्या लिए लोग पहुंच रहे हैं। 2-3 दिनों से हर दिन 35 से 40 मरीज आई फ्लू के पहुंच रहे हैं। मंगलवार को कुल 200 से ज्यादा लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अलग अलग बीमारियों के इलाज और जांच के लिए पहुंचे, जिनमें से 40 से ज्यादा लोग आंखों के संक्रमण यानी कि इस समस्या से पीड़ित थे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मंगलवार को बाजार में टमाटर की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी से देखे गया। फुटकर में टमाटर 400 रुपए किलो के भाव बिक रहा है। थोक मंडी में आवक न होने पर बाजार में इसकी किल्लत हो गई है। अन्य सब्जियों की कीमतों में भी तेजी से रुख बदल रहा है। टमाटर अब लोगों की पहुंच से दूर हो चुका है। इस समय जिले में कर्नाटक का टमाटर आ रहा है। आगरा होकर इसकी आपूर्ति होती है। देश भर में चल रहे बाढ़ के हालातों के बीच टमाटर की आवक पर काफी असर पड़ा है। बाहर की मंडी की कीमतें बढ़ने पर थोक कारोबारियों ने टमाटर को मंडी में नहीं मंगाया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट तैयार मास्टर प्लान तैयार करने में जुट गया है। 15 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को कई तरह की सुविधाएं ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। रामलला ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अनुमान लगाया कठिन है कि इस अवसर पर अयोध्या पर पूरे देश से कितने भक्त पहुंचेंगे। संख्या लाखों में हो सकती है, जिसमें आने वाले भक्तों की कई श्रेणियां हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक शराबी पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पुलिसकर्मी ना केवल नशे में धुत होकर जमीन पर लौट रहा है, बल्कि आने जाने वाले लोगों को देखकर गालियां बक रहा है। किसी राहगीर ने इस पुलिसकर्मी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है। वहीं शराब के नशे में वर्दी की इज्जत को तार तार करने वाले इस वीडियो पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने संज्ञान लेते हुए जाँच के आदेश दिए हैं।